यूपी के शाहजहांपुर में आज समाजवादी पार्टी बढ़ते उत्पीड़न, लड़कियों के संग में हो रहे अत्याचार और बलात्कारियों को बचाने में जो सरकार नाकाम है उसको रोकने के लिए समाजवादी पार्टी ने तहसील स्तर पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता, जब तक लड़की को न्याय नहीं मिल जाता हम लोग ऐसे ही आवाज उठाते रहेंगे और ये बाइक चेकिंग ये बंद करी जाए, इससे लोगों को उत्पीड़न हो रही है। वहीं सपा अध्यक्ष तनवीर खान ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ध्वस्त, अपराधी के भारी वृद्धि, चारों तरफ जंगल राज व्याप्त, फर्जी एनकाउंटर हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न, विशेष वर्गों में हत्याओं की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा राज में प्रदेश का विकास कार्य ठप है, समाजवादी सरकार के कार्यों पर ही भाजपा सरकार अपना नाम दे रही है, भाजपा के सभी दावे झूठे हैं। आज हर व्यक्ति त्रस्त है, हर समाज त्रस्त है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। हमारे किसान भाइयों के साथ धोखा किया जा रहा है। गन्ना किसान का भुगतान आज तक नहीं किया गया। बच्चियों को सुरक्षित रखना इस सरकार में कितना मुश्किल काम हो गया है। बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है, महिलाओं के साथ खुलेआम बलात्कार हो रहा है और महिलाओं को इंसाफ नहीं मिल रहा, किसी वर्ग किसी समाज को इंसाफ नहीं मिल रहा, किसानों को इंसाफ नहीं मिल रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा। बल्कि आज मंदी की मार झेलते हुए जितने भी कर्मचारियों की छटनी की जा रही है, आज पूरे देश से लेकर प्रदेश में कर्मचारी जितना भी हमारा है, लाखों कर्मचारी सर्विस से निकालकर बाहर किया जा रहा है, कंपनियां बंद हो रही हैं, तो बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, अपराध दिन पर दिन प्रदेश के अंदर अपराध का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो आज पूरे प्रदेश के अंदर जुल्मों का भी हद पार कर चुकी है उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जुल्मों की सारी हदें पार कर चुकी है। इसलिए आज हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो प्रदेश में तहसील स्तरीय धरना हो रहा है, ये बहुत कामयाब शानदार धरना हमारे